पाकिस्तान में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बच्चे को जिंदा हैंड ग्रेनेड बाहर खेलते हुए मिला, जिसे वो घर लेकर आया। दुर्भाग्यवश हैंड ग्रेनेड घर में ही फट गया। इस हादसे में बच्चे की माँ और बहन की मौत हो गई, जबकि वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बलूचिस्तान के पंजगुर में 4 फरवरी की है। मामले में पुलिस कमिश्नर बशीर बंगुलजाई ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि नाबालिग को हैंड ग्रेनेड मिला था, जिसे वो घर ले आया। खेलते वक्त ग्रेनेड घर में ही फट गया। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में माँ और बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कमिश्नर बंगुलजाई के अनुसार पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस छानबीन में जुटी कि बच्चे को जिंदा ग्रेनेड कहाँ से मिला। बता दें कि ऐसी घटनाएं भारत में भी सामने आ चुकी है। पूर्व में देहरादून में जिंदा ग्रेनेड मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले पुलिस ने ग्रेनेड को कब्जे में ले लिया, और इससे पहले पुलिस को राजपुर में भी ग्रेनेड पड़े होने की सूचना मिली थी। हालांकि जब सुरक्षा दस्ता वारदात पर पहुंचा तो वहां पुराना हैंड ग्रेनेड मिला। बाद में बम निरोधक दस्ता ग्रेनेड को सैंड बैग में रखकर वहां से ले गया। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।